असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो यह नहीं हो सकता था बंधु। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके दो कारण आपको बता दें जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहाँ पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी, तो ये कैसे बन रहा है? ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय से हुआ। लेकिन महाराज जी, उसने कहा एक अब आप नहीं सुनोगे, एक सेकंड अब आप सुनोगे नहीं। नहीं नहीं, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा। आप क्यों सुनते नहीं हो? आप जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं, तो आप जी अच्छा सुनना चाहते हो? जी जी, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं नहीं, मैं तो शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते। हम इसीलिए आपके पास, तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल पूछ लो। सवाल ये था, नहीं पहले आप अपनी बात नहीं पूछे, अब बोलो। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं नहीं महाराज जी, नाराज नहीं होइए, थोड़ा सा भाई नाराज होने की बात कर देते हो आप। शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज आप नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए, आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है, सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी, उसमें से 24 दिन हमने बहस की है शंकराचार्य ने। 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं, हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है, और हमारे वकील परमेश्वरनाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा जी, और रंजना अग्निहोत्री जी, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया, और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था, तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है, चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतने लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी की द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो पूछो राम भद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए, और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं, अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना, सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था, लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं, क्या बोल रहे होंगे आप सोचो, और क्यों जज सुन रहे थे उनको अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कब करेगी किसी के योगदान को?